ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, मैं आपका सरवना एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। बूम ब्रो, एंड बाय द वे अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आमची मुंबई। एंड आज मैं आया हूँ साइकिलिंग को, एंड ट्वाइस इन अ वीक मैं साइकिलिंग को आता रहता हूँ। एंड ये जगह तुम लोग को याद है, मतलब जब लास्ट ईयर मैं 2020 लास्ट ईयर में तब आया था, यहाँ पर एक शूट किया था रिवर्स वीडियो, तब आया था यहाँ पर। एंड आज आ रहा हूँ तो मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है इन नवी मुंबई, मतलब मेरे घर के बाजू में ही यही है। एंड मुझे बहुत पीसफुल लगता है, यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो थोड़ा व्यू का मज़ा करते। एंड आज का जो व्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि लाइक मैं कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि लाइक शुड आई मेक डेली वीडियो फॉर 5 डेज, तो उसमें से 80% लोग ने, सॉरी 85% लोग ने हाँ कहा, एंड मतलब 40 लोग ने वोट किया कि येस बनाओ। एंड फेसबुक में भी कुछ 15 या 16 लोग ने वोट किया येस, एंड स्नैपचैट पे भी बहुत लोग ने मुझे बोला कि यस बनाओ बनाओ करके। एंड ये मेरा स्नैपचैट आईडी है, अगर नहीं फॉलो करते रहोगे तो जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ आजकल, तो ज़रूर वहाँ पर फॉलो करना। सो आज का जो व्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि लाइक घर पे जो भी बैठ के लाइक बहुत बोर हो गया, एंड आई नो दैट इट्स बीन अ लॉन्ग 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 टाइम दैट आई एम अपलोडिंग अ वीडियो ऑन माई चैनल। मैं बहुत दिन से अनएक्टिव था मेरे चैनल को लेकर, बट मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं क्या बनाऊँ डूड वीडियो बनाने, क्योंकि बाहर जाने का अलाउड नहीं है। एंड अभी भी मैं कहाँ खड़ा हूँ, लाइक मेरे बिल्डिंग बाजू में ही है, सिर्फ बाजू में ही थोड़ा साइकिल चला रहे हैं हम लोग, आई मीन मैं चला रहा हूँ, हम लोग ने कोई नहीं आया, मैं चला रहा हूँ। एंड ये आकाश का साइकिल है, मेरा साइकिल मैंने बेच दिया है, मतलब पहला था जब मैं यहाँ पर वाशी नवी मुंबई शिफ्ट हो रहा था ना, तो मैं वहाँ पर से मैंने जब चेंबूर में मैं बेच दिया, मैं बोला अब क्या करूँ, बट अब मैं वापस साइकिल तो मैं देखूँगा दिवाली के टाइम साइकिल लूँगा तो लूँगा वापस नया वाला। सो लेट्स सी। एंड अभी अपन थोड़ा घूमते हैं यहाँ पर, मैं तुम लोग को आजू बाजू का लोकेलिटी बताता हूँ, यहाँ पर का फेमस प्लेसेस बताता हूँ। एंड मुझे मालूम है तुम लोग को बहुत लोग को वो जगह मालूम है, जैसे कि सागर विहार एंड मिनी सेश्वर, बट बहुत कम लोग को नहीं मालूम है, तो उन लोग के लिए भी वो जगह बता दो, और तुम लोग को वापस से जो जिसको मालूम है तो वो जगह वापस तुम लोग को देखने मिलेगा। एंड अगर तुम लोग वहाँ पर विजिट किए तो तुम लोग का पुराने मेमोरीज वापस याद आएगी। सो लेट्स डू इट, एंड यहाँ पर थोड़ा देर खड़े रहते फिर निकलते। ऑलराइट, तो ये है वो सागर विहार। आई मीन यहाँ पर अभी पानी नहीं है, नहीं तो पानी रहता ना तो उधर तक का पानी आता, जैसे कि आप देख सकते हो बोट उतना ऊपर, बट अभी पानी नहीं है करके पानी एकदम दूर है, ऐसे थोड़े चिकल दिख रहे। बट दिस इज़ द वन ऑफ द फेमस प्लेस इन नवी मुंबई, आई मीन इन वाशी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग को मालूम है जगह। एंड वो क्यों फेमस है, जो यहाँ पर विजिट किया है उन लोग को भी मालूम है कि क्यों फेमस है। अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो ठीक है, आके थोड़ा विजिट करना, मतलब यहाँ पर बहुत कपल्स रहते, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन अभी कपल्स नहीं है, क्योंकि फिर अगर यहाँ पर कपल्स बैठे तो यहाँ पर एक्चुअली पुलिस लोग घूमते रहते, फिर जो डंडे गिरेगे ना तो। एंड अगर आपने यहाँ पर विजिट किया है, आई मीन सिंगल ओके, तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ का फीलिंग कैसा होता है, लाइक वियर्ड सा फीलिंग होता है यहाँ पर आने। एंड मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तू वाशी में रह के तू यहाँ पर आता नहीं है, मतलब मैं कैसा हो यार, मतलब यहाँ पर आने के लिए मन ही नहीं करता है। ये तो सागर विहार एक जगह हो गया, और एक वो मिनी सेश्वर, वहाँ पर भी जाएगा, वहाँ पेंटिंग्स वगैरह एंड मिनी सेश्वर भी दिखाता है, यहाँ पर बोटिंग्स वगैरह होता है, तो हाँ यहाँ पर। बट ऐसा बोल सकते हो कि ये जगह अच्छा है, शाम के टाइम आना, मतलब इवनिंग के 4 बजे के टाइम आएंगे ना, आपको खूबसूरत सा सनसेट देखने मिलेगा वहाँ पर। एंड बहुत सही है, देखने में कितना कूल दिख रहा है राइट, क्योंकि अभी कोई भी नहीं है। एंड थोड़ा यहाँ पर अभी क्लीनिंग चल रहा है, जैसे कि बीएमसी वाले देख सकते हैं पीछे, तो अभी क्योंकि अभी पानी नहीं है ना, तो वहाँ का जो पानी का कचरा है वो सब इधर आ गया है ऐसा, तो अभी हम लोग सब क्लीन कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर जाते कि अभी थोड़ा बहुत बास आ रहा है यहाँ पर, वो क्लीनिंग वगैरह चल रहा है, वहाँ का जो पानी नहीं है तो चिकड़ का स्मेल आता है ना वैसा, तो ये जगह है। एंड यहाँ पर फोटोशूट बॉम होता है, बहुत सही फोटोशूट होता है, तुम लोग ने मेरा एक फ़ोटोशूट वाला ब्लॉग देखा रहेगा जिसमें मैंने बताया था, तो यहाँ पर मस्त है। एंड या अच्छा जगह है, बट अभी के टाइम पर अगर आप आओगे ना सुबह के वक्त, तो आपको यहाँ पर सब वॉकिंग करते हुए दिखेंगे, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो हाँ यहाँ पर अच्छा वाइब मिलता है। सुबह के टाइम आना यहाँ पर, बहुत अच्छा वाइब मिलेगा, मज़ा आएगा आपको यहाँ पर आने। सो ज़रूर आके जाना, अगर आपने यहाँ पर नहीं आया है तो ज़रूर आके जाना।
तो अभी जाते हैं दूसरे लोकेशन पे जो के है मिनी सीशोर पेंटिंग। उसके बाद मिनी सीशोर जाते हैं, अभी मिनी सीशोर पेंटिंग नहीं है वो, उसको बोलते हैं वहाँ पर का मिनी सीशोर, बट वो पेंटिंग एरिया है उसके पीछे मिनी सीशोर है। तो अपन जाते हैं, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। सारी मासूम सी फाइनली आई एम हियर एंड दिस प्लेस इज नोन एज पेंटिंग एरिया। एक्चुअली इसका कुछ अलग नाम है, क्लिक नहीं हो रहा है नाम क्या है, बट इसको पेंटिंग एरिया से भी जाना जाता है। बहुत सही प्लेस है, यहाँ पर फोटोशूट्स बहुत सारे फोटोशूट यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे मॉडल यहाँ पर विजिट करते हैं फोटोशूट के लिए, एंड बहुत बेस्ट प्लेस है फोटोशूट के लिए। एंड अभी भी लोग यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं, मतलब हाँ लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही हूँ पूरे रोड में, लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, साइकिलिंग हो रहा है। मतलब आप देख के थोड़ा नॉर्मल फील हुआ, क्योंकि मैं भी घर पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, एंड यहाँ पर आके भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जगह का पेंटिंग ही रहा इसका नाम, यहाँ पर तुम लोग आके फोटोशूट कर सकते हो। बहुत सही जगह है डूड यहाँ पर, सच में आई स्वेयर। एंड तुम लोग को मैं एक जगह दिखाता हूँ, वो जगह में ना मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पर ही आके लोग शूट करते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम वो क्या, बट ये जो विंग्स आई, अगर तुम लोग ने देखा मिनी सीशोर का टैग, तो ये विंग्स इट्स बहुत फेमस है यहाँ पर। वहाँ पर वो पत्थर के ऊपर लोग खड़े रह के फोटो शूट करते हैं। तो या दिस इज़ द फेमस प्लेस इन नवी मुंबई। एंड अगर तुम लोग ने यहाँ पर विजिट किया तो तुम लोग को यहाँ का भी मालूम है कि यहाँ पर का भी क्या सीन होता है। अगर नहीं मालूम है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपना थॉट शेयर कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो कर सकते हो। मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ इट इज़ अ गुड प्लेस, बट एक टाइम जब बिफोर लॉकडाउन यहाँ पर इतना खास नहीं था, क्योंकि सब कपल्स दिखते थे, तो यहाँ पर बैठने का यहाँ पर फोटोशूट करने का मन नहीं करता था। बट राइट नाउ या इट्स अ गुड प्लेस एंड यू कैन विजिट हो यर, बहुत सही जगह है। एंड वॉकिंग के लिए भी एक नंबर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉकिंग करते रहते, साइकिलिंग करते रहते। एंड मैं भी यहाँ पर आके पहला साइकिलिंग करता था, बट अभी लॉकडाउन के बाद अभी आ रहा हूँ। तो हाँ, क्लीनिनेस यहाँ पर अच्छा है, क्लीन है पूरा। मैं तुम लोग को सिनेमैटिक्स में दिखाता हूँ एंड एन्जॉय द सिनेमा। और राइट, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ, ये है मिनी सीशोर। देखो ये देख सकते, ये एक्चुअली ये मिनी सीशोर नहीं है यहाँ पर है, बट ये लोग ने यहाँ पर सब बंद कर दिया, बिकॉज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यहाँ पर ही ज़्यादा क्राउड होता है, एक क्राउडेड एरिया है, एंड यहाँ पर बहुत लोग आके बैठना पसंद करते हैं। इसके लिए बीएमसी वाले लोग ने यहाँ पर पूरा बंद कर दिया। यहाँ पर एक ब्रिज जाता है जहाँ की वहाँ पर बहुत सारा फोटोशूट होता है, वहाँ से सीनरी बहुत अच्छा दिखता है। एक और यहाँ पर एक गार्डन है, यहाँ पर आप वॉक कर सकते हो, बट अभी के लिए वो बंद है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। और ये फोर्टिस हॉस्पिटल दिख रहा है, ये फोर्टिस हॉस्पिटल के परफेक्टली सामने
मिनी सीशोर, ये टाइगर। एंड मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से व्यू इतना कूल दिखता है ना, बट अभी यहाँ पर भी पानी नहीं है, ये तो यहाँ पर पानी रहता ना तो बहुत सही दिखता। एक मिनट रुको, मैं आपको सिनेमैटिक्स में व्यू चेक करो। एक्चुअली अभी तुम लोगों को प्रॉपर व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इतना प्रॉपर व्यू नहीं दिखता। वहाँ पर ब्रिज है, वहाँ से जाओगे ना तो वहाँ से इतना अच्छा लगता है, वहाँ पर इतने सारे बर्ड्स है। एंड यहाँ पर बीच में बहुत सारे स्टॉल्स, आई मीन शॉप्स लगे हुए गोला के, खाने के वगैरह वगैरह, यहाँ पर आप बैठ के चिल कर सकते हो। बहुत सही जगह है, आफ्टर लॉकडाउन ज़रूर आके यहाँ पर विजिट करना, बहुत मज़ा आएगा आपको क्योंकि यहाँ का व्यू इतना पीसफुल देगा, मतलब पीसफुल है बट यहाँ पर। एंड इट इज़ डैम फेमस फॉर कपल्स, यहाँ पर बहुत सारे कपल्स आते हैं डूड यहाँ पर, मतलब सीरियसली फैमिली के लिए एक टाइम में ना फैमिली पॉइंट था, बट आफ्टर पॉइंट यहाँ पर बहुत सारे कपल्स आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया नवी मुंबई। बट इन मॉर्निंग टाइम, आप जब मॉर्निंग में होगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉकिंग करते हुए दिखेंगे, बहुत सारे लोग वॉकिंग करते हुए, लाइक एजेड लोग, एंड बहुत सही लगेगा आपको देखने, अच्छा लगेगा। बट आफ्टर लॉकडाउन शाम के टाइम आना थोड़ा सा इग्नोर करना, दोपहर मतलब एक मॉर्निंग के टाइम में आना या 4 बजे के टाइम में आना, आपको अच्छा मतलब अच्छा लगेगा एंड ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं रहेगा। आई थिंक सो 4 बजे के टाइम भी रहेगा, बट मॉर्निंग में ना आपको क्राउड बिल्कुल नहीं मिलेगा, सीरियसली क्राउड बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड मैं कैप इसके लिए पहना हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े हो गए डूड, मतलब गए लॉकडाउन में कैसे हो गए थे वैसे मेरे बाल अभी थोड़े थोड़े बढ़ रहे। अभी मैं बाल नहीं काट सकता बिकॉज पैंडमिक चल रहा है एंड शॉप सब बंद है, तो उसके लिए लेट्स सी। एंड अभी मैंने बहुत सारे क्लिप्स निकाला हुआ, मेरे को नहीं मालूम मैं कैसे एडिट करके क्या क्या डालने वाला हूँ इसमें से, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीन्स निकालो, सो लेट्स सी। एंड अभी जाते हैं क्योंकि अभी धूप आ चुका है, जैसे देख रहे हो मेरे फेस पे धूप आ रहा है। एंड मैंने चाहता हूँ कि अभी बहुत गर्मी है डूड यहाँ पर, एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो धूप आ रहा है, बहुत धूप बढ़ रहा है, आई मीन गर्मी बहुत बढ़ रहा है, तो जाते घर पर एंड बाकी का ब्लॉग घर पर कंटिन्यू करते, सो लेट्स गो। देखो क्या फंस गया अभी साइकिल में, क्या बोलूं यार, शी पांच मिनट से निकाल रहा हूं, अभी निकला, आज शुरुआत हो रहा है दिन का, वाह ठीक है। मैं बोल रहा हूँ घर पे जाके मिलूंगा, बट इधर अबे भाई साहब अभी चेन भी निकल गया, शीबे डन है। देखो हाथ देखो कितना गंदा और महिला, यार का बोलू अभी, यार का बोलू। मिलता हूँ एक ट्रांजिशन के बाद। तो आज घर पे बना है डोसा, आई मीन बहुत दिन बाद मैं डोसा खा रहा हूँ, एंड ये रेड वाला चटनी जो कि बहुत सही लगता है, एंड वाटरमेलन क्योंकि बॉडी को ये हाइड्रेटेड रखता है, इसमें बहुत पानी होता है तो हाइड्रेटेड, एंड बॉयल एग उसको स्लाइस करके उसके ऊपर से कोरिएंडर अप्लाई करके, आई मीन कोरिएंडर डाल के एंड थोड़ा सा लेमन डालने का, क्योंकि खाने में बहुत मज़ा आता है डूड, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। यहाँ पर मेरा एडिटिंग का काम चालू है, थोड़ा सा फोल्डर्स वगैरह एडिटिंग का, तो मेरा थोड़ा भी काम है वो करके फिर ब्रेकफास्ट करके फिर वो काम करूँगा। अगर तुम लोग को भी किसी को हेल्प चाहिए मतलब एडिटिंग में, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं तुम लोग एडिटिंग करके दे दूँगा। मतलब अभी मेरा थोड़ा एडिटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रहा है, तो मुझे अभी थोड़ा नॉलेज आ चुका है एडिटिंग के बारे में, मतलब सिनेमैटिक्स, हाउ टू मतलब एडिटिंग करना सिनेमैटिक्स का, एनिमेशंस का, तो वो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना ज़रूर। एंड फिर अब मैं ब्रेकफास्ट करके मिलता हूँ, ओके ऑलराइट ऑलराइट। तो आज का ब्लॉग अपन यहाँ ही ख़त्म करते हैं क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे फुटेज है, अभी ये ब्लॉग को मुझे ज़्यादा लेंथी और बोरिंग नहीं करना, शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल पर सब्सक्राइब करना। एंड अभी मैं खड़ा हूँ आकाश के घर पे, बेटा आकाश कम ईयर, अरे अच्छा अच्छा बहुत दिन बाद आकाश, और तेरे फैन फॉलोइंग बढ़ रहे, खुश हो गया। और एक अपना हम लोग का बिल्डिंग का क्या म्हणतात मराठीत छावा, आमचा बिल्डिंग का छावा कल्पेश दा, तो परिचय करना। हाय आई एम कल्पेश। हां या कल्पेश
एंड व्हाट्स योर नेम? अरे अच्छा, योर नेम इज कल्पेश। अच्छा ओके। और हम लोग का चॉकलेट बॉय है ना उधर किचन में, विराट भाई। विराट भाई कम हियर ब्रो, कम हियर बैंग, कम हियर, कम हियर। आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाँ कलावंदिन के बाद अब भी आ रहा है। नहीं नहीं, बीच में आया ना, अरे बोरा बाजार वाले व्लॉग में आया था, उसके बाद अब भी आ रहा है। कितने बिजी है ना, व्यस्त मानुष। मोदी जी से भी व्यस्त है ये इंसान, मालूम क्या? क्रिएटिव है, क्रिएटिव। इंग्लिश बोलते है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक का बी हैप्पी एंड मेक पीपल हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। एंड हम लोग आपका पूरा लॉकडाउन में हम लोग मजा करते रहेंगे, तुम लोग को एंटरटेन करेंगे, करेंगे कि नहीं? करेंगे, करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड बहुत जल्दी अभी बहुत भयानक व्लॉग आ रहे, बहुत भयानक व्लॉग आ रहे, समझ जाओ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।